इसको आजाद कराने की कोशिशें कर रहे थे, उस वक्त वो लोग जो बरतानवी ताकत के आगे घुटना टेक कर उनके तलवे चाट रहे थे, आज वो ताकत में आकर हमें से हमारा हक छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए हमें अपने अंदर जागरूकता पैदा करना होगा, हमें बेदार करना होगा, अपने हुकूक की हिफाजत करने के लिए खुद मैदान अमन में आना होगा। मैं एक चीज बस अखीर में कहूंगा कि जो हाल है वो हमारे दरमियान ये हाल है, जब बहती है अमन की गंगा बहने दो, जब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो तुम हमको, लाल हरे रंग में न बांटो तुम हमको, मेरे घर में एक तिरंगा रहने दो। इस देश का जो जमहूरी संविधान है, इस संविधान के मुताबिक देश अगर चलता रहेगा तो देश के अंदर अमन शांति बाकी रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के मुताबिक ही देश बाकी रह सकता है। अगर हुकूमत की पामाली का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा और जात पात ऊंच नीच बिरादरियों में देश के अंदर तफरकाबाजी की जाती रही तो ये हिंदुस्तान बाकी रहने वाला नहीं है। टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में रियासतों में तकसीम हो जाएगा, इस देश की तारीख खत्म हो जाएगी। हमें के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, इस देश को बाकी रखना, संविधान को जिंदा रखना हमारी आज की जिम्मेदारी है। मैं आखिर में अध्यक्ष जी स्वामी विश्राम साहब को उनके परिवार को सलाम करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों, सच्ची बात करना बड़ा कठिन काम होता है। माननीय साहब ने चर्चा युग की चर्चा करी थी, हम चर्चा युग के स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में अगर कोई मूल निवासी सही बात करता है तो साथियों हमारी मजबूत पीढ़ी को नया जोश मिलता है। साथियों अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय अभय राज रिटायर्ड PCS ऑफिसर इलाहाबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि आए समय और विषय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को मूल निवासी परिवार के सामने रखें। माननीय अभय राज रिटायर्ड PCS ऑफिसर। यहाँ पैंतीसवें राज अधिवेशन के अवसर पर अनुशासन सुरेश सम्मानित लोगों को साधारण तथा सभा में बनाए हुए अध्ययनों को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज दूसरे से पिछड़ा हुआ है, कितना पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है, इसको साजिश किस प्रकार की गई है, समाज को डराने के लिए मानसिक का उपाय क्या है। इस कर्मचारियों अधिकारियों का संगठन है जो अपने समाज को पूरा इतिहास से अवगत कराए हैं, स्वाभिमान जगाता है और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए इस देश में अपने अधिकार को पाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त के बाद किस दशा से संविधान के विपरीत यहाँ के शासक वर्ग में काम करते हुए हमारा देश रख करके हमें गुलाम बनाए रखा है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वास पाठ्यवाद में फंस कर गए हैं, लोग पढ़ाई लिखाई पर महत्व नहीं दे रहे हैं और कर्मकांडों के पीछे पड़ करके सारा समय व्यतीत कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसके विपरीत हम लोग शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारें भी शिक्षा को महत्व नहीं दे रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई कार्यक्रम सही ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ पर सब निजीकरण होने के नाते शिक्षा के संबंध में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो राज्य शिक्षा परिषद हैं और NCERT सब के कोर्स अलग है, प्राइमरी स्तर जो पढ़ाई का स्तर है तो वो खराब है। हमारे जो पढ़ करके आगे कंपटीशन में नहीं सफल हो पा रहे हैं। पढ़ाई जो 14 वर्ष तक के अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें पढ़ने से रोकने
लोगों के लिए ही तरह तरह के पाखंडवाद और कर्मकांड में फंसाया खड़ा है। आज आप लोग देख रहे होंगे कांवड़ यात्रा के लेकर के लोग सड़कों पर नहीं चल पा रहे हैं, और इसमें कौन लोग हैं जिनके पीठ पर बसे बचपन में नहीं हो गए थे, वही आज कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। हमें जागरूक होने के लिए हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। इस मूर्खता को प्रदर्शन क्या इससे हमको धर्म की प्राप्ति हो रही है? नहीं। धार्मिकों के आत्मा का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसमें हमको व्यस्त रखा जाता है, वर्ष भर में तमाम प्रकार के शिकायतें किए जाते हैं कि हम उससे उलझे रहें और शराब पी करके उलझन करते रहें ताकि पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकें, और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमें भगाया जाता है ताकि हम लोग लड़े मारे पीटे और उनकी शरण में जाएं। राजकरण कर रहा है, किसे करना चाहिए सर? 85% समाज हम लोग को पिछड़े हुए हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा और तभी हम इसको सफलता पा सकते हैं। भगवान को समय को पूरा करने के लिए शिक्षा का हमें बोल देना है। सरकार ने हमें तमाम प्रलोभन देती है और बड़ी बड़ी बातें उनके नेता करते हैं, प्रलोभन दे करके हमारा वोट अर्जन करते हैं कि हम जो है 2 करोड़ वोट करके हर साल देंगे, लेकिन क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हमारी देश में 60% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसके 35% युवा बेरोजगार हैं। उनके नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आजीविका मिशन नाम के जो कार्यक्रम चल रहा है, नाम मात्र को 16 लाख लोगों को 4 साल में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से मात्र 12 लाख लोगों के लिए आजीविका बैंक लोन के भेज दिया है। बताइए कि 35% जनसंख्या जो हमारे 36 करोड़ से भी ज्यादा युवा वर्ग हैं, उनमें 16 लाख क्या महत्व रखता है? 1% भी नहीं है। 0.6% लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया गया, और फिर आधे से अधिकतर 4.5% लोगों को आजीविका के लिए जो है लोन मिला रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? हम लोगों को घर नौकरी मिल रही है, न आजीविका मिल रही है। सबसे बड़ा यहाँ पर बेरोजगारी यहाँ समस्या है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार में हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। सरकारें अच्छी नीति बनाती हैं, सुख सुनाती हैं, जन सुनवाई कार्यक्रम करती हैं, थाना दिवस और तहसील दिवस, जनता पहलवान को अपना कार्यक्रम करते हैं, सब दिखावटी है। लोग जाते हैं, परेशान रहते हैं, दिखाव देते हैं, उनको सर्वे भी किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ वाली हमारी पक्षी रिपोर्ट में आ करके उनका स्टीक कर देता है द्वारा, उसको जाने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग पढ़े लिखे करके समझदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। बस ये करना। धन्यवाद। धन्यवाद अजय सर। साथियों, मेरा पुण्य अनुरोध है, तमाम प्रांत से, पूरे प्रांत से, तमाम जिलों से आए हुए जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन निर्माण निधि में जो फंड लाए हैं, कृपया सभागार के राइट साइड में काउंटर है, उस काउंटर पर जमा करें। मेरा अनुरोध है कि जो फंड लाए हैं, बांसिप के अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा जो ऑफशोर संगठन है, सभी अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है जो आंदोलन निर्माण निधि में फंड लाए हैं और वो काउंटर पर जमा करें। और जो लोग व्यक्तिगत फंड मान्य राष्ट्राध्यक्ष जी को आंदोलन निर्माण निधि में देना चाहते हैं, वो यहाँ पर मंच पर आकर आरआर इंडियन प्रोफेसर साहब को अपना नाम नोट कराएं। धन्यवाद। साथियों, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए महिलाओं की 50% भागीदारी होती है, तो मैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व कर रही आयुष्मती सुशीला दिनकर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रमंडल से महिला संघ उत्तर प्रदेश से, अनुरोध करता हूँ कि वो देश पर आए और विषय को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वक्ताओं की बहुत लंबी लिस्ट है, मान्य राष्ट्राध्यक्ष जी को 5:15 बजे हमें मंच देना है, और उस समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखें। सुशीला दिनकर जी, और मंडल सिंह पदाधिकारियों को जन्मवासी और इस
प्रजातिक सभ्यता जब थी और पुराने समय हमारे सभ्यता में महिलाएं रानी और महारानी हुआ करती थी, हमारी महिलाएं सत्ता चलाती थी। जब आज यहाँ आए और जैसे कि महिलाएं यहाँ सत्ता चला रही हैं, यहाँ शासन सत्ता चला रही है, तो आज जो है सबसे पहले महिलाओं को गुलाम बनाया और गुलाम बना करके हम महिलाओं गुलाम बना करके पुरुषों के भी गुलाम बनाए और पक्षर हमारे आज राज कर रहे हैं। महिलाओं बहनों हमको मालूम, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब जब मनुष्य नीचे चलाए तो हम महिलाओं को कितना हक अधिकार दिए, हम आपको पता नहीं होगा। हमारे बाबा साहब ने मनुष्य नीचे चला करके महिलाओं को बहुत हक अधिकार दिया और जब मनुष्य नीचे अगर ब्राह्मणों ने मनुष्य नीचे लागू किया तो हम महिलाओं को सबसे पहले गुलाम बनाए। बाबा साहब ने हम लोगों को
सुशीला दिनकर जी। साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में अभी जैसे सुशीला दिनकर जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी देश का विकास उस देश की महिलाओं से आंकता हूँ, तो उस देश की महिलाओं ने कितना विकास किया है। तो साथियों, जरूरी है महिलाओं की 50% की भागीदारी हो। मैं इसी के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता किरण चौधरी, जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही सम्मानीय महिलाओं के प्रति एक सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली माननीय किरण चौधरी जी। आपको बहुत ही समय और विषय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय को रखेंगी माननीय किरण चौधरी। धन्यवाद बल संचालक महोदय। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के बांसवेर का 33वां राज्य अधिवेशन चल रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय बांग से भारत भूत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्राम साहब जी और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों बहनों को हमारी तरफ से जय हो। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हो जाता है और अंत में जाकर के वो आत्महत्या
की धरती पर बामसेठ का
के बीसवा राज्य सम्मेलन जो हो रहा है, अधिवेशन जो चल रहा है, इसके अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष माननीय विमल मान साहब कामन मिश्रा साहब विराजमान है। प्रथम सत्र में आप सबको सब्जेक्ट के अनुसार बहुत सारा प्रबोधन हो चुका है। द्वितीय सत्र में भी काफी लोगों ने सब्जेक्ट के अनुसार बहुत सारे प्रबोधन किए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे बाम से भारतीय जनता मोर्चा से जुड़ी हुई महिला छात्र जो है पदाधिकारी जो हमारी प्रेम चौधरी जी हैं और जो हमारे दिनकर साहब की पत्नी श्रीमती सुशीला जी हैं, आप लोगों ने एक जोश भरने का काम किया। साथियों, पवन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लहर पैदा कर रहे हैं, इस सभा में बैठे हुए आप सबसे मैं भी एक अपील करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि जो मैं दो चार महीने आपके सामने देना चाहता हूँ, कम से कम हमारे जो 18 से 29 साल, 29 से 45 साल, 45 से 55 साल और उसके ऊपर के जितने लोग हैं वो सबसे ध्यान से सुने और एक आह्वान पर, एक आवाज पर अपने को मिटा देने का संकल्प लें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो लाइन में माननीय मेश्राम साहब को कहना चाहता हूँ, मेश्राम साहब समय में खाओ तो खाता उसी का मान होता है, समय में खाओ तो खाता उसी का मान होता है और छुपा इस देख नाम भी मधुर प्रदान होता है। सिगर में चोट किसने खाई, छेनी की हथौड़ी की, वही अम्बेडकर रूपी मेरा भगवान होता है। साथियों, चूंकि ये सम्मेलन महात्मा कबीर की धरती पर, संत रविदास की धरती पर पूर्वांचल के कोने में हो रहा है और अगर मिर्जापुर की सुगंध ना आए तो थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा और मिर्जापुर की सुगंध मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और इसे सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो सम्मान दीजिएगा। आओ आप देखिए, एक कचहरी है, आवा मूल निवासी देशवा के हितकारी आवा। मैं मिश्रा साहब से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पंजाब में आपने अपने प्रबोधन में सच कह दिया था कि अब शायद काम नहीं चलेगा, तलवार भी उठानी पड़ेगी, इसलिए मैं भी कुछ आवाज करके चल रहा हूं। आवा मूल निवासी देशवा के हितकारी आवा, हथवालिए कटारी आवा, के हिंदारी आवा, हथवालिए कटारी आवा, जैसे मूल निवासी जाके अरे आर्य विदेशी वही भागे, जैसे मूल निवासी जाके आर्य विदेशी वही भागे, अरे माँ के पानी न पावे, पानी न पावे दुश्मन के, मांगे पानी न पावे, अरे दुश्मन आवे की बारी आवा, लक्ष्मण मांगे पानी न पावे दुश्मन अर की बारी आवा, हथवाली कटारी आवा। भीमा नदी के तीर जिस तरह से पूना में भीमा नदी के किनारे भीमा पूरे गांव में पूना भीमा नदी के 500 मूल निवासी पीर, पूरा भीमा नदी
अच्छा समय